फिल्म जवान से शाहरुख खान का नया पोस्टर जारी। शाहरुख खान ने किया इसे इंस्टाग्राम पर शेयर। कैप्शन में लिखा, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, बस 30 दिनों में पता चल जाएगा। क्या आप तैयार है? तमिलनाडु के ईशा फाउंडेशन से पूजा की कुछ तस्वीरें कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की, जो कि वायरल हो गई। करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी थिएटर्स में शानदार बिजनेस कर रही है। सॉलिड कमाई के साथ करण जौहर की फिल्म ने 10 दिन में करीब 105 करोड़ रुपए कमा लिए है। साउथ के सुपरस्टार समांथा और विजय देवरकोंडा साथ आ रहे फिल्म खुशी में दोनों का ये रोमांटिक स्टिल अब वायरल हो रहा है। फिल्म का ट्रेलर 9 अगस्त को रिलीज किया जाने वाला है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में धर्मेंद्र और शबाना आजमी के किसिंग सीन पर सनी देओल ने किया रिएक्ट। एक इंटरव्यू में सनी देओल ने कहा, मेरे पिता कुछ भी कर सकते हैं और मैं कहता हूँ कि वो एकमात्र एक्टर है जो ये कर सकते हैं। वही सनी देओल ने कहा कि किसिंग सीन को लेकर अब तक उन्होंने अपने पिता से कोई बात नहीं की है। दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह के लिए शेयर किया फ्रेंडशिप डे पोस्ट। बोली, अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी करना जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। आलिया भट्ट ने बताया बॉलीवुड से कितना अलग है हॉलीवुड में काम करने का स्टाइल। आलिया भट्ट ने रिपोर्टेडली एक इंटरव्यू में कहा, एक फिल्म स्टार पूरी दुनिया में एक जैसा ही रहता है, एक जैसे लोग, एक जैसा वर्जन, एक जैसा जुनून और वही इरादा, वहाँ भी सब कुछ ऐसा ही है। हालांकि सिर्फ भाषा है जो पूरी तरह अलग है, लेकिन स्टोरी टेलिंग, इमोशंस और बाकी सब कुछ एक जैसा रहता है। सुष्मिता सेन की अपकमिंग वेब सीरीज ताली का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो कि काफी दमदार है। सुष्मिता सेन ने सीरीज में किन्नर का किरदार निभाया है। सीरीज में सुष्मिता का किरदार गणेश से गौरी सावन बनने तक का सफर तय करता है। कल था फ्रेंडशिप डे और आज सारा अली खान ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर कर इसे सेलिब्रेट किया। अपने दोस्तों के साथ उन्होंने कई सारे फोटोज शेयर की। क्या अक्षय कुमार पर भारी पड़ेंगे तारा सिंह? खबरों के मुताबिक गदर 2 अभी ओएमजी 2 से एडवांस बुकिंग में काफी आगे चल रही है। रिपोर्टेडली 6 अगस्त तक गदर 2 की कमाई 4 करोड़ रुपए है। वही ओएमजी 2 ने 70 लाख रुपए की कमाई की है।